स्पीच साउंड एक्जिशन ये स्टूडेंट्स मुझे इस मॉड्यूल में आपसे स्पीच साउंड एक्विजिशन के बारे में बात करनी है स्पीच साउंड एक्विजीशन इज अ प्रोसेस बाई विच चिल्ड्रन लर्न टू प्रोड्यूस एंड प्रसीव द साउंड ऑफ देयर नेटिव लैंग्वेज ये वो दौरानियाँ हैं जब uh, बच्चे यह बच्चा जो है चाइल्ड है वो स्पीच और साउंड साउंड्स पहले हासिल होंगी और उसके बाद स्पीच का मरला तो एक्चुअली इसमें भी हम आ, आ, देखेंगे कि लैंग्वेज एक्विजिशन की कौन कौन सी स्टेजेस हैं और कहाँ कहाँ से बच्चा किस तरह स्टार्ट करता है उसके मरल क्या हैं सो ड्यूरिंग अर्ली इन्फेंसी बेबीज प्रोड्यूस प्राइमरिली ऑटोमेटिक एंड नॉन सेक्चुअल सच एज क्राइंग कोइंग एंड बबलिंग पहले तीन माह की उम्र तक जो है वो क्राइंग होता है उसके बाद आगे देखें तो फिर वो कूंग और छः से आगे नौ माह की उम्र में बबलिंग की साउंड गू की आवाजें निकालता है और दीज अर्ली वोकलाइजेशन सर्व द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट तो ये जो साउंडस हैं या वोकलाइजेशन या वोकल्स हैं ये बाद में आने वाली लैंग्वेज के बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं यानी फाउंडेशनस हैं इनकी बेस पे बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होती है अराउंड ट्वेल्व मंथ ऑफ एज इन फैंट्स टू प्रोड्यूस अनडाउटेड बेबलिंग यानी यहाँ उनके कुछ जो मारफीम्स वो बोलते हैं जो साउंडस वो बोलते हैं अभी भी वो सही वर्ड्स नहीं कन्वे कर सकते वो थोड़ा सा उसमें कुछ आवाज़ें उनकी वर्ड्स की तरफ मूव करती हैं विच इन्वॉल्व रिपीटिंग कॉन्सोनेंट वोल सेलेबल्स जैसे बा बा मा वगैरह और दिस स्टेज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग कंट्रोल ओवर द वोकल आर्टिकुलेशन यानी जहाँ से उसकी साउंड्स जो हैं निकलती हैं जबड़ों से होंटों के को मिलाकर या जहाँ जहाँ लैंग्वेज जो आपकी टंग है वो टकराती है यानी साउंड्स पैदा होती हैं तो इनको कंट्रोल करना वो बच्चा सीखता है और एक्सप्लोरिंग डिफ़िकल्ट साउंड कॉम्बिनेशन तो वो डिफरेंट साउंड कॉम्बिनेशन को एक्सप्लोर करता है एज चिल्ड्रेन अप्रोच देयर फर्स्ट बर्थडे दे स्टार्ट टू प्रोड्यूस देयर फर्स्ट वर्ड्स यानी जो एक साल के बाद के उसके जो माँ होते हैं वो अपने पहले कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स अभी सिर्फ सिंगल वर्ड वो सीखते हैं इनिशियली दीज वर्ड्स मे ओनली अप्रॉक्सीमेट द एडल्ट फॉर्म्स विद इन और सब्सटी ऑफ साउंड तो यानी साउंडस uh, की सब्सटीट्यूट करके आवाज़ों के मुतबाद के तौर पर जैसे वाह वाह फार वाटर यानी मैंने आपको अभी बताया कि जो uh, अभी भी उसके जो सिंगल वर्ड्स हैं वो पूरी तरह Uh, जो इबाई उसके यानी तेरह चौदह माह की जो एज होती है उसमें वो क्लियर नहीं होते उससे ऊपर जाके वो फिर वो वर्ड्स uh, निकालना शुरू करता है और वो वन वर्ड्स सेंटेंस होता है जो नॉर्मली चीज़ों के नेम्स होते हैं और उनको वो कन्वे करता है बाय द एज ऑफ टू चिल्ड्रन टाइपिकली प्रोड्यूस रेंज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इंक्लूडिंग पा बा मा टा डा ना का गा एन हा तो ये कॉन्सोडेंट्स की आवाज़ें हैं जो बच जो चाइल्ड आम तौर पर डेवलप करता है और बोलता है हा देयर स्पीच मे स्टिल कंटेन सम फोनोलॉजिकल प्रोसेस तो अभी तक उसमें कुछ फोनोलॉजिकल प्रोसेस डेवलपमेंट के जारी होते हैं और जैसे कि फाइनल कॉन्सोडेंट डिलीशन और क्लस्टर रिडक्शन सो बिटवीन द एज ऑफ थ्री एंड फोर चिल्ड्रन रिफाइन द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंडस तो वो अपनी स्पीच साउंडस को रिफ़ाइन करते हैं बेहतर बनाते हैं दे एक्वायर मोर कॉम्प्लेक्स साउंडस सच एस सांड शाह तो ये वो uh, जो साउंडस हैं यहाँ आके वो uh, जब वो इस मरले पर टू वर्ड सेंटेंसेस थ्री वर्ड सेंटेंसेस बोलते हैं या वर्ड्स के अंदर वो uh, जो रिड्यूस करके उनको सेलेबल्स uh, को कॉन्सोनेंट्स को या वल्स को इस तरह वो साउंड्स uh, वो वर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं या बोलते हैं और बाय द एज ऑफ फाइव इयर्स मोस्ट चिल्ड्रन हैव एक्वायर्ड द मेजॉरिटी ऑफ स्पीच साउंड्स इन देयर नेटिव लैंग्वेज और uh, तहम मास्टरी ऑफ मोर चैलेंजिंग साउंड्स लाइक आर रा, एंड रास्ट मे कंटिन्यू टू डिवेल्प इन टू द स्कूल एज ईयर्स यानी ये साउंडस थोड़ी सी मुश्किल हैं कॉम्प्लेक्स हैं, इनकी आर्टिकुलेशन मुश्किल है ये बाद में आने वाले जो सालों में जारी रहती है स्पीच एक्विज़िशन, स्पीच साउंड एक्विज़िशन में इफ अ चाइल्ड स्पीच साउंड डिवेलपमेंट सिग्निफिकेंटली लैग बिहाइंड अगर किसी में ये प्रॉब्लम है कि वो बच्चा इसमें पूरी तरह स्पीच डेवलपमेंट नहीं हो रही सो देयर पियर्स शो परसिस्टेंट एरर्स दैट इफेक्ट इंटेलिजिबिलिटी इट मे इंडिकेट अ स्पीच साउंड डिसऑर्डर तो उसमें क्या हो सकता है कि उसमें स्पीच डिसऑर्डर हो सकता है जिसके लिए हमें स्पीच प्रोपस्ट की हेल्प की ज़रूरत होती है अब आ, अगर हम स्पीच साउंड्स में आ, देखें इसको आ, थ्री मंथ्स में क्या है फिर सिक्स uh, मंथ्स की साउंडस क्या है और फिर यानी ये, ये आपके सामने एक पिक्चर नज़र आ रही है आपको इसमें तो डिफरेंट साउंडस को इस तरह वो मुख्तफ डिफरेंट मंथ्स में वो अपनी uh, इसको दिखा रहा है मैं बैबलिंग साउंडस में वावल्स uh, कॉन्सोनेंट्स को और uh, फिर नाइन्थ uh, मंथ में क्या है रीडुप्लिकेटिव है बैबलिंग साउंडस uh, है उसकी फिर आगे ट्वेल्व uh, मंथ्स में है जॉर्गौन गया एंड हा वेज साउंड्स uh, वो निकालता है तो फिर फर्स्ट वर्ड फ्यूजिली कॉन्सोनेंट वॉवल्स कॉम्बिनेशंस लाइक मामा दादा वावा वाह वा, वगैरह तो एटीन मंथ्स में जाके बैक uh, साउंड्स में से रा गा तो ट्वेंटी टू थर्टी मंथ्स में जाके जा वो आ, इस तरह जाके वो उसकी मज़ीद जो वर्ड्स डेवलपमेंट होती है आ, इस तरह ये सिलसिला उसकी वर्ड डेवलपमेंट का जारी रहता है और फिर आ, तीन साल की ऐज में साढ़े तीन साल की एज में इस तरह वो वो टू वर्ड सेंटेंसेस या थ्री वर्ड सेंटेंसेस वग़ैरह बोलता है स्पीच साउंड एक्विजिशन में अंडरस्टैंडिंग स्पीच साउंड एक्विजिशन हेल्प्स एजुकेटर्स और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एंड केयरगिवर्स आइडेंटिफाई टाइपिकल माइल स्टोन्स एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट सपोर्ट टू चिल्ड्रन यानी बच्चों को स्पीच साउंड एक्विजिशन की जो स्टेजेस हैं उनको अंडरस्टैंड करना वो उनकी मदद करता है कि वो बच्चों को गाइड कर सकें मुख्त मरहल पर केयरगिवर्स और दूसरे जो लोग हैं ताकि उसकी uh, बच्चे की लैंग्वेज साउंड पीच एक्विजिशन के जो माइल हैं उसमें वो उनकी मदद कर सकें उसको मुनासिब जो है उसको मुनासिब रहनमाई फ्राहम कर सकें और उसकी जो साउंडस हैं उसको रिफाइन कर सकें इस सिलसिले में आपके जो आप जो डिफरेंट उसके आर्टिकुलेटर्स हैं मसलन लिप्स हैं आ, फिर होंट्स हैं और जो, जबड़े हैं या इस तरह के जो टंग है तो ये इनकी मुख्त हरकत से मुख्तिस उस चीज़ों से वो साउंड आर्टिकुलेट करते हैं उनको आ, मिला कर उनको जोड़ के जहाँ यानी वो टच करते हैं इस तरह करके तो बेहतर अंदाज में वो यहाँ उनकी गाइडेंस की ज़रूरत होती है